नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजू चौबे है और मैं आज आपको मेजर कैनल्स ऑफ राजस्थान का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है। और राजस्थान की जो मेजर कैनल्स है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। और उसमें से आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंदिरा गांधी कैनल। ये राजस्थान की बहुत ही इम्पोर्टेंट कैनल है। चलिए दोस्तों, मैं आज अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ और मेरा टॉपिक है इंदिरा गांधी कैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा राजस्थान एक डेजर्ट पार्ट है और इस डेजर्ट पार्ट को के एक्सपेंस को रोकने के लिए इंदिरा गांधी कैनल का सबसे पहले जो आइडिया दिया गया वो आइडिया दिया गया था कंवर सेन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? कंवर सेन उस समय के इरीगेशन इंजीनियर थे बीकानेर के, और इन्होंने ये आइडिया दिया था 1948 में। कंवर सेन ने आइडिया दिया कि राजस्थान में ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करने के लिए इंदिरा गांधी कैनल बनाया जाए। फिर आफ्टर द एसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इसका जो वर्क स्टार्ट हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1952 में। इसका जो इस पे काम करना शुरू हुआ था और सबसे पहले इसको टू फेज में बनाया गया है, राजस्थान फीडर कैनल एंड द मैन कैनल। ले सबसे पहले 1952 में हरी की बैराज बनाया गया और वो बनाया गया सतलज और ब्यास रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे, जहाँ पे सतलज और ब्यास रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे हरी के बैराज बनाया गया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये हमारे ब्यास रिवर है और सतलज रिवर है जो कि पंजाब में है। ये कॉन्फ्लुएंस पंजाब स्टेट में पड़ता है और यहाँ पे हरी के बैराज बनाया गया। बैराज का मतलब होता है, बैराज वो प्लेस है जहाँ पे डैम बनाया जाता है जहाँ से किसी भी रिवर का जो वाटर फ्लो का डायरेक्शन है वो चेंज किया जाता है। ठीक है, तो हरी के बैराज से सतलज रिवर और ब्यास रिवर के वाटर के डायरेक्शन को चेंज किया, फ्लो ऑफ डायरेक्शन को, वाटर के फ्लो ऑफ डायरेक्शन को चेंज किया गया है। बैराज का मतलब दोस्तों ये होता है। इसके बाद से हरी के बैराज के बाद से 204 किलोमीटर लॉन्ग एक फीडर बनाया गया है हनुमानगढ़ में मासीतवाली तक, यानी हरी के बैराज से लेके हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो मासीतवाली प्लेस है वहां तक 204 किलोमीटर का एक फीडर बनाया गया है। फीडर, व्हाट इज द मीनिंग बाय फीडर? फीडर का मतलब ये है कि फीडर में कैनल का वो पार्ट है जिसका वाटर हम यूज नहीं करते। द वाटर ऑफ फीडर हैज बीन अनयूज्ड, इसको हम यूज नहीं करेंगे ताकि ये आगे जो हमारी मेन कैनल है उसमें वाटर इजीली सप्लाई हो सके और बाकी जो भी जिस पार्ट को वाटर की वाकई में सप्लाई की जरूरत है उस पार्ट में हम वाटर को सप्लाई कर सके। ठीक है, तो 204 किलोमीटर फीडर बनाया गया फ्रॉम हरी के बैराज टिल मासीतवाली इन हनुमानगढ़। उसके बाद से ये राजस्थान की सबसे लॉन्गेस्ट मेन एशिया की भी सबसे लॉन्गेस्ट मेन मेड कैनल है। ये लॉन्गेस्ट मेन मेड कैनल है और नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट आल्सो ऑफ एशिया। एंड इट्स द अब लंबी है तो सबसे पहले इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं, ये कितनी लॉन्ग है। इस टोटल लेंथ इज 649 किलोमीटर। टोटल लेंथ 649 किलोमीटर है। ये 649 किलोमीटर में से 204 किलोमीटर का हमारा फीडर है फ्रॉम हरी के बैराज टिल मासीतवाली इन हनुमानगढ़। उसके बाद से 169 किलोमीटर ये पंजाब में एग्जिस्ट करती है एंड 14 किलोमीटर हरियाणा में एग्जिस्ट करता है इस कैनल का। और उसके बाद से जो रेस्ट ऑफ पार्ट है जो बास बढ़ जाता है 169 और 14 किलोमीटर से, तो रेस्ट ऑफ पार्ट राजस्थान में एग्जिस्ट करता है इस इंदिरा गांधी कैनल का। अब आते हैं कि इसका कहां से कहां तक और कैसे बना। तो इसका कंस्ट्रक्शन टू फेजेस में हुआ है। पहले फेज में फीडर कैनल बनी है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। फीडर मतलब इस लेंथ में, इस पाथ में जो भी वाटर होगा उसको हम यूज नहीं करते हैं। बैराज में हमने वाटर का डायरेक्शन चेंज किया है और फीडर में वाटर को वहां से सप्लाई कर रहे हैं पर उस पार्ट में उस वाटर को हम यूज नहीं कर रहे हैं। और उस फीडर की जो लेंथ है वो है 204 किलोमीटर। इसके बाद से हम बात करते हैं मेन कैनल की। मेन कैनल हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम मासीतवाली हनुमानगढ़ में, मासीतवाली से लेके टिल द गोधरा रोड ऑफ बाड़मेर, जो राजस्थान के गोधरा रोड ऑफ बाड़मेर तक का इसका एंडिंग पॉइंट है।
टोटल लेंथ 649 किलोमीटर लॉन्ग है, उसमें से 204 किलोमीटर का फीडर है, 169 किलोमीटर पंजाब में एग्जिस्ट करती है, 14 किलोमीटर हरियाणा में एग्जिस्ट करती है और रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो राजस्थान में टिल फ्रॉम मासीज्वाली टिल गोधरा रोड ऑफ बाड़मेर तक एग्जिस्ट करती है हमारी इंदिरा गांधी कैनल। अब हम आते हैं दोस्तों इस इंदिरा गांधी कैनल से हमारे राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट, कितने विलेजेस, कितने टाउन्स को इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन यानी सिंचाई की जाती है खेतों की और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया जाता है। तो इस कैनल के थ्रू, इंदिरा गांधी कैनल के थ्रू 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, 29 टाउन्स और 3,461 विलेजेस में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जाती है। कितने में? 9 डिस्ट्रिक्ट, 29 टाउन्स, 3,461 विलेजेस में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जाती है और इस कैनल के वाटर से 17.41 करोड़ हेक्टेयर लैंड इरिगेट किया जाता है, इरिगेशन की जाती है। इतने करोड़ हेक्टेयर लैंड में कितना? 17.41 करोड़ हेक्टेयर लैंड में। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस इंदिरा गांधी कैनल को हम मरु गंगा भी कहते हैं। मरु यानी होता है डेजर्ट पार्ट, रेगिस्तान। मरु गंगा यानी राजस्थान की गंगा भी इस इंदिरा गांधी कैनल को हम कहते हैं और ये राजस्थान के लिए एक वरदान है। राजस्थान के डेजर्ट पार्ट को एक्सपेंस होने से रोकता है, उसके लिए जो भी इसके राजस्थान के पार्ट्स हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है। इसके अलावा ड्रॉट और फेमाइन को कंट्रोल करता है, प्रोविजन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, लाइवली स्टॉक डेवलपमेंट होता है, फिशिंग एंड फार्मिंग की जाती है और इस कैनल के थ्रू जो टूरिज्म का भी डेवलपमेंट हुआ है। तो दोस्तों आज ये हमारा वीडियो था इंदिरा गांधी कैनल पे और आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।